पिछले साल रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल काफी चर्चा में रही। इसमें बॉबी देओल ने विलेन का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी खलनायकी दिखाई कि सभी चौंक गए। एनिमल में रणबीर कपूर के बाद दमदार एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा तारीफ बॉबी देओल को मिली। अब बॉबी देओल ने बताया कि उन्होंने एनिमल में विलेन अबरार का किरदार क्यों निभाया था। 22वें जी सिने अवार्ड 2024 के दौरान बॉबी देओल ने एनिमल में अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो, मुझे चैलेंज करे और जो मुझे अपना बेस्ट बाहर लाने के लिए प्रेरित करे। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसी तरह का काम मिलता रहेगा। निगेटिव या फिर पॉजिटिव कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता है। पहले कॉमेडियन, विलेन और हीरो जैसी एक निश्चित कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिनेमा बदल गया है, कहानी बताने का तरीका बदल गया है, क्योंकि दुनिया विकसित हो रही है। बॉबी देओल ने आगे कहा, मेरे लिए निगेटिव रोल निभाना एक चुनौती था, लेकिन हर इंसान में एक बुराई होती है। जब आप बुराई को दबाते हैं तभी हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। यह आपको उस बुराई को बाहर निकालने का मौका देता है। यदि आप एनिमल में मेरे अबरार के किरदार को देखेंगे तो उसके पास ऐसा होने का एक मजबूत और बड़ा कारण था। जब मैंने अबरार का किरदार निभाया तो मैंने खुद को विलेन नहीं बल्कि अपनी फैमिली की हीरो महसूस किया था।